आईपीएल के 2008 वाले सीजन में सभी टीमों का सैलरी कैप करीब 20 करोड़ था, लेकिन इस मेगा लीग के 17वें सीजन में ऑस्ट्रेलिया के दो दिग्गज खिलाड़ी ही 20 करोड़ से अधिक में बिके हैं। ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड कप विजेता कप्तान पेट कमिंस ने पहले ऑलराउंडर सेम करने के 18.50 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ा और उसके बाद 20 करोड़ के बैरियर को भी पार किया और सनराइजर्स हैदराबाद ने उन्हें 20.50 करोड़ में खरीदा। हालांकि उनका ये रिकॉर्ड मुश्किल से 2 घंटे में ही टूट गया। उन्हीं के हम वतन मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 24.75 करोड़ में खरीदा। चलिए जानते हैं इन दोनों तेज गेंदबाजों की एक गेंद की कीमत कितनी होगी। स्टार्क और कमिंस की एक गेंद का प्राइस हम आपको बता देते हैं। आईपीएल T20 फॉर्मेट में खेला जाता है और T20 फॉर्मेट में एक गेंदबाज 4 ओवर ही डाल सकता है। ऐसे में 14 लीग मैचों में दोनों गेंदबाज अगर अपने पूरे ओवर डालते हैं तो 336 गेंदें होंगी। इस हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को मिचेल स्टार्क की एक गेंद 7.4 लाख की पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर सनराइजर्स हैदराबाद को पेट कमिंस की एक गेंद 6.5 लाख की पड़ेगी। यानी कि मिचेल स्टार्क का एक ओवर 44.4 लाख का होगा और पेट कमिंस का एक ओवर 36.6 लाख का पड़ेगा। अगर पेट कमिंस और मिचेल स्टार्क की टीम फाइनल में प्रवेश करती है तो उन्हें क्वालिफायर और एलिमिनेटर मिलाकर 3 और मिलेंगे। तब पेट कमिंस की एक बॉल 5 लाख और मिचेल स्टार्क की एक बॉल 6.1 लाख की पड़ेगी। आईपीएल ऑक्शन में कुल 72 खिलाड़ियों पर 10 टीमों ने बोलियां लगाई हैं और जिनमें 30 विदेशी खिलाड़ी हैं। आईपीएल टीमों ने 2.3 अरब 45 लाख खर्च किए हैं। इस नीलामी में कई बड़े स्पिनर्स अनसोल्ड रहे जबकि तेज गेंदबाजों पर टीमों ने जमकर पैसा लुटाया है। पेट कमिंस का पिछला सीजन कैसा रहा ये भी हम आपको बता देते हैं। पेट कमिंस के लिए पिछले आईपीएल सीजन कुछ खास नहीं रहा था। उन्होंने आईपीएल 2022 में केकेआर के लिए 5 मैच खेले थे जिनमें 10 से ज़्यादा के स्ट्राइक रेट ने रन लुटाए थे। लेकिन हैदराबाद का कमिंस पर पैसा लुटाने का एक और मकसद उनकी लीडरशिप क्वालिटी का इस्तेमाल करना होगा। बता दें कि 2023 में पेट कमिंस की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और फिर वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। मिचेल स्टार्क 8 साल बाद आईपीएल में खेलने आ रहे हैं। सीमित ओवर में अपनी घातक गेंदबाजी के लिए जाने जाने वाले स्टार्क केकेआर के गेंदबाजी आक्रमण को और धार देंगे। यही नहीं, निचले क्रम में उनकी बड़े शॉट्स लगाने की क्षमता कोलकाता की बल्लेबाजी को गहराई देगी। ऐसी जानकारियों के लिए बने रहें द स्पोर्ट्स फैक्ट के साथ।